बात को नहीं रखा। संजीव उनियाल जी सर वो ये कह रहे हैं, अभी अतिकुर जी आपने उनको सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये वैसा ही मामला लग रहा है जैसे बाबरी मस्जिद मामले में था। वो तो कह रहे हैं पहली सीढ़ी है उसकी। प्रीति जी थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं ज्ञानवापी की। 1669 में हिंदू मंदिर विश्वेश्वर टेम्पल वाराणसी में ये सब कांड होता है औरंगजेब द्वारा टोडरमल के मंदिर में, और हिंदुओं की उस आस्था पर चोट की जाती है। जिस तरह की हिस्टोरिकल एरर को ठीक करने का एक प्रयत्न अगर कोई कोर्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर ट्रायल कोर्ट में इस तरह का एक मुकदमा चला है तो ट्रायल कोर्ट ने एक वीडियोग्राफी के लिए आदेश दिया है, तो उसमें क्या दिक्कत है अपने को? अगर अपने को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम उसके बाद रेस्टोरेशन में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध है, परंतु हमें डर लग रहा है कि शायद, क्योंकि हमने लगभग 1200-1300 मस्जिदों को जबरदस्ती जबरन हिंदू टेम्पल्स के ऊपर बना रखा है, तो ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया और पूरे मीडिया के सजग होने से लोगों में एक नई भावना जाग गई, लोग अपनी हिस्टोरिकल अपनी हिस्ट्री को जान पाए हैं, तो ऐसा ना हो कि कोर्ट के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन से दोबारा से ये एस्टैब्लिशमेंट हो जाए और अयोध्या की तरह ये सारी जो मस्जिदें इलीगल तरीके से हिंदुओं के छाती पर मूंग दल के और उनको तलवार दिखा के उनको कन्वर्ट करके इस तरह के लोगों को तैयार करके जो कि आज मुस्लिम बनते हैं उनके माध्यम से बचाने की कोशिश की जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आज लोग समझदार हो चुके हैं। आज लोगों को पता चल चुका है कि ये वास्तव में मस्जिदों के ऊपर से ये क्या सब कुछ होने वाला है और क्या हो रहा है। आप देखिए आज क्या हुआ, साउथ में एक दलित युवक को, हिंदू युवक को मार मार के मार दिया पूरी सरेआम बाजार में। क्यों इस तरह की बातों को आप देखिए कि किस तरह से लेते हैं, कैंडल मार्च चलाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में इनके लॉयर खड़े हो जाते हैं। जहांगीरपुरी में इलीगल जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रखे हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर रखे हैं, उनको बुलडोजर से अगर कोई इलीगल बिल्डिंग्स को गिराता है तो ये सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि आपके पैनल में भी बैठे हुए हैं जो खास तौर से इस तरह की चीज को प्रोडक्शन करते हैं। परंतु सर आपने जो बात कही, आपने अभी कहा जैसा मैं सुन रही थी आपको, आपने कहा कि 3000 से ज्यादा मंदिर पर मस्जिद का निर्माण हुआ है, तो आप तो उसी बात को बल दे रहे हैं जिसको अतीकुर रहमान और शोएब कह रहे थे। वो जो कह रहे हैं, जिस बात का डर वो जता रहे हैं कि तो पहली सीढ़ी है, वैसा ही होगा बाबरी मस्जिद जैसा मामला, आप इस बात पर सहमति जता रहे हैं अपने शब्दों के जरिए? पॉलिटिकल पार्टी ने, प्रीति जी नहीं, आप मुझे ऐसा अपने मुंह में जवान मत डालिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर समाज में जागरण हो पा रहा है, हिंदू जागरण हो रहा है, तो आप देखिए पिटीशन किसने डाली है, एक आम व्यक्ति ने पिटीशन डाली थी, किसी हिंदू व्यक्ति ने, किसी आरएसएस के व्यक्ति ने, किसी बीजेपी के व्यक्ति ने पिटीशन नहीं डाली है। ये आम समाज में एक धारणा बन चुकी है कि इस तरह की मस्जिदों को, उसमें जो हिस्टोरिकल एरर्स हैं उनको ठीक किया जाए। 1669 में की गई औरंगजेब द्वारा एक गलती को अगर सुधारने का काम कोर्ट कर रही है तो क्या बुराई है? हिंदू एडॉप्शन लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, सब पे रिफॉर्मेशन हुए हैं, ऐतिहासिक कुछ गलतियां हुई हैं, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिशें हो रही हैं अब कोर्ट के जरिए। मैं जवाब को देखा, अनुराग भदौरिया शोएब आती हूं मैं आपके पास, अनुराग भदौरिया नहीं पड़ेगा, अनुराग भदौरिया एक अच्छी बात उन्होंने बोली, जो भी अभी महोदय बोल रहे थे कि दलित युवक को पीट पीट के मार डाला, क्या बात है, आपने एकदम बहुत गलत हुआ, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं, लेकिन अफसोस की बात है उसकी तो आप आवाज उठा रहे हो हैदराबाद की, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में दलित, उत्तर प्रदेश के अंदर में ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहां आवाज नहीं उठा रहे, क्यों भाई, बेटी ने क्या नुकसान कर दिया आपको, इसलिए आप उसने क्यों नहीं उठाया 13 साल की बच्ची का? लेकिन उत्तर प्रदेश मेरा इंतजार कर रहे थे, आप इस घटना का इंतजार कर रहे थे, आप इस घटना का इंतजार कर रहे थे, आप आवाज नहीं उठा रहे, हैदराबाद की आवाज, आज की घटना की बात क्यों नहीं करते हैं? आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इतना वो हिंदू बेटियां थी, आज की घटना की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बहुत हिंदू हिंदू कर रहे हो, अरे दोनों बेटियां हिंदू, ललितपुर की बेटी हिंदू है, आप भाई साहब कर रहा हूं, आप ये बताइए ज्ञानवापी मस्जिद की बात करिए, आप सब्जेक्ट पर नहीं है, प्रीति जी सही कह रही हैं, आप सब्जेक्ट पढ़कर नहीं आए, ज्ञानवापी मस्जिद पर डिबेट है, भारतीय जनता पार्टी टॉपिक पढ़कर नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर, प्रीति जी ठीक कह रही हैं, आप टॉपिक पढ़कर नहीं आए, आप अचानक ही जो ना अकस्मात आके बैठ चुके हैं। अनुराग भदौरिया आप फिर मुद्दे से भटक गए हैं सर, अनुराग भदौरिया जी आप मुद्दे से भटक गए हैं। देखिए मैं फिर आपको कह रही हूँ कि आप मुद्दे पर रहिए, आप मुझे बताइए, वो ये बता रहे हैं कि भाई जो एरर्स हुए हैं इतिहास के पन्नों में उसे दुरुस्त करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट ही आदेश दे रहा है, इस पर आपका जवाब क्या है सर? अगर हम स्पेसिफिक होंगे तभी हम इस चर्चा में कोई सार्थक बात निकाल पाएंगे।
अच्छा सुन तो लीजिए प्रीति जी, वो दलित युवक की बात बता रहे थे तब आपने याद नहीं दिलाया उनको, उन्होंने तो एक एग्जांपल दिया, आप तो पूरी कथा बांचने लगे। बोलने जा रहे हैं मुद्दे पर, रहिए ना सर। मैंने बच्ची की बात करना मुद्दे से भटकना नहीं, होगा। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लेकिन उसी पर रहिएगा, बाकी मुद्दों पर नहीं करेंगे बात। तो फिर भाई ऐसा नहीं होगा ना सर, आप कुछ भी बोलेंगे फिर टाइम जाया होता है व्यूवर्स का। व्यूवर्स आपकी राय जानना चाहते हैं, और अगर संजीव उनियाल ने किसी दलित युवक की आवाज उठाई, दलित बेटी की आवाज उठाई, तो आप भी उठाइए, आपको कौन मना कर रहा है? आप उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुद्दे पर तो बात कीजिए। तो आप ये भैया ये बोलिए कि अगर अत्याचार हो रहा है तो होने दो। अनुराग भदौरिया, देखिए आप बेटी की आवाज जो करते हैं ना, गुनाह है क्या? आप जो क्या कर रहे हैं ना, देखिए ये मुझे सब समझ आ रहा है, और मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी मुझे मत बताइए। अनुराग भदौरिया जी, आई रिक्वेस्ट, गलत कर रही है, कमिंग 30-40 seconds आई एम गिविंग यू, मुझे ब्रेक लेना है सर, प्लीज अपने वर्ड्स को कंप्लीट कीजिए, प्लीज बताइए। वो ये कह रहे हैं एरर्स हुए इतिहास में, उसको दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहती, इतिहास में जिंदा रखना चाहती है, हमें पीछे ले जाना चाहती है। 2014 की बात कर रहे हैं, हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबकी और में पता है। आपकी रील अटक गई है, आपकी रील अटक गई है सर, आप अटक गए की जगह। आपके पास कुछ भी आपसे सवाल पूछा जाए, आप भारतीय जनता पार्टी को कोसिए, हो सकता है उत्तर प्रदेश में आपकी सियासत को आने वाले 5 सालों में इसी से चमकाया जा सके, ये स्ट्रेटजी आपकी पार्टी की हो सकती है। एक ब्रेक में ले रही हूँ, जल्द लौट रही हूँ।